आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2022-23 और 2023-24 के तहत शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुल दुकानों में से एक तिहाई शराब दुकानों का नवीकरण हो गया है, तो वहीं अब बची हुई 5,195 शराब दुकानों का आवंटन ऑनलाइन नीलामी के जरिए किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने इस वर्ष शराब दुकानों के आवंटन के लिए 2 वर्ष की नीति तय की है। इसके तहत विभाग ने पहले से दुकानें संचालित कर रहे ठेकेदारों के लिए शराब दुकानें रिन्यू कराने का विकल्प दिया है। आबकारी विभाग की फरवरी 2022 तक की गारंटी पूर्ति करने वाली दुकानों का नवीनीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 7,665 शराब दुकानों का आवंटन किया जाना है। इनमें से जिन दुकान संचालकों ने गारंटी पूर्ति कर ली है, उन्हें नवीनीकरण के लिए 11 मार्च तक की फीस जमा कराने का विकल्प दिया गया है। बड़ी बात यह है कि एक तिहाई दुकान संचालकों ने नवीनीकरण के लिए फीस जमा करा दी है। प्रदेश भर में एक तरफ जब आबकारी विभाग को ठेकेदारों का विरोध झेलना पड़ रहा है, इसके बावजूद 32.22% शराब दुकानों का नवीनीकरण हो गया है। इसे आबकारी विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बीकानेर सबसे आगे, जयपुर फिसड्डी। प्रदेश में कुल 7,665 शराब दुकानें हैं। इनमें रिन्यूअल के लिए गारंटी पूर्ति करने वाली दुकानों की संख्या 3,771 यानी करीब 49.20% दुकानों का हो सकता है नवीनीकरण। इनमें से 2,470 दुकान संचालकों ने ही करवाया नवीनीकरण। कुल दुकानों की 32.22% दुकानों का हुआ नवीनीकरण। अजमेर की 472 में से 164 दुकानों का नवीनीकरण, 34.74% नवीनीकरण। भरतपुर की 173 में से 52 दुकानों का नवीनीकरण, 30.05% नवीनीकरण। बीकानेर की 226 में से 86 दुकानों का नवीनीकरण, 38.05% नवीनीकरण। जयपुर शहर की 404 में से 109 दुकानों का नवीनीकरण, 26.98% नवीनीकरण। जोधपुर की 377 में से 124 दुकानों का नवीनीकरण, 32.89% नवीनीकरण। कोटा की 248 में से 77 दुकानों का नवीनीकरण, 31.04% नवीनीकरण। उदयपुर की 394 में से 119 दुकानों का नवीनीकरण, 30.20% नवीनीकरण। उसमें जो वर्तमान लाइसेंसीज हैं उनको नवीनीकरण का ऑप्शन दिया गया था कि जो लाइसेंसी जो हमारी कट ऑफ डेट थी पहले 28 फरवरी थी, जिसको बढ़ा करके राज्य सरकार ने 11 मार्च 2022 तक किया था। जिन लोगों ने अपनी वार्षिक गारंटी राशि इस अवधि में पूरी कर ली है, उनके खिलाफ कोई बकाया नहीं हो, सिक्योरिटी राशि उनकी जमा हो, ऐसे लोगों को नवीनीकरण का ऑप्शन दिया गया था। और एक बहुत अच्छा अवसर था कि ऐसे अनुज्ञाधारियों को अगले 2 साल और बिजनेस करने का मौका मिलता। इस नवीनीकरण की व्यवस्था में करीब 2470 अनुज्ञाधारियों ने अपना नवीनीकरण लास्ट डेट तक कराया है, जो कुल दुकानों का लगभग 32% से ज़्यादा बैठता है। अब आबकारी विभाग बची हुई 5,195 शराब दुकानों के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाएगा। नीलामी की प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदक को नीलामी में शामिल होने के लिए दुकान का चयन कर उसकी श्रेणी के मुताबिक आवेदन फीस जमा करनी होगी। नीलामी में 10,000 के गुणक में बोली बढ़ा सकेंगे। नीलामी प्रक्रिया 22 मार्च से लगातार 4 दिन तक रोज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। हालांकि प्रत्येक बोली बढ़ने पर नीलामी की अवधि बढ़ती रहेगी। बची हुई दुकानें जिनकी संख्या 5,195 है, उनका हम ई नीलामी से ऑक्शन करने की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए विस्तार से विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हो गई है। और जो भी इच्छुक बोलीदाता इसमें भाग लेना चाहता है, उसके लिए विस्तार से पूरी प्रक्रिया इसमें दी हुई है। और इसके अलावा भी अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी हासिल करनी है, तो हमारे जिला आबकारी अधिकारी, हमारे जो एडिशनल कमिश्नर जॉन है, या आबकारी मुख्यालय में संपर्क करके इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आबकारी विभाग द्वारा करीब एक तिहाई शराब दुकानों के नवीनीकरण को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दरअसल पूर्व में मदिरा अनुज्ञाधारियों द्वारा नीति के कई बिंदुओं को लेकर विरोध किया जा रहा था। ऐसे में एक तरफ जब 50% दुकानें नवीनीकरण के लिए योग्य पाई गई हैं, उसमें से काफी संख्या में लोग नवीनीकरण के लिए इच्छुक नहीं लग रहे थे। इस बीच आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा ने लगातार प्रत्येक जिला और सर्किल स्तर पर समीक्षा की। आयुक्त के प्रयासों से अंतिम दिन में 500 से ज्यादा दुकानों का नवीनीकरण बढ़ा है। कुल मिलाकर एक तिहाई नवीनीकरण के आंकड़े को विभाग के लिए संतुष्टिजनक माना जा रहा है और माना जा सकता है कि पॉलिसी पूरी तरह से सफल रहेगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।